किसान भाइयों व बहनों, मैं डॉक्टर प्रियंका ठाकुर, प्रधान पुष्प वैज्ञानिक क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र धौलकुआं से आज आपको गेंदे की व्यावसायिक खेती के बारे में जानकारी दूंगी। गेंदा जो कि खुले पुष्पों की श्रेणी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुष्प है, जैसा कि आप पीछे में भी देख रहे हैं, यह पुष्प खुले रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कई मंदिरों में सजाने के लिए, फिर मालाएं बनाने के लिए और क्यारियों में लगाने के लिए इस फूल का इस्तेमाल किया जाता है। या यूँ कहिए कि कोई भी त्यौहार, तीज त्यौहार, शादी ब्याह के अवसर या कोई भी जो फंक्शन है वो गेंदे के फूलों के बिना अधूरा है। इनके जो पंखुड़ियाँ हैं उनसे पोल्ट्री फीड को भी दिया जाता है खाने के लिए, ताकि जो अंडे में पीलापन आए, जिससे कि बाज़ार में ज़्यादा लाभ होता है। दूसरा, इसकी जो इनको अगर सब्जियों के साथ लगाया जाए तो इसमें नेमाटोड्स और लीफ माइनर की समस्या भी कम होती है। तो जो ये गेंदा है, गेंदा पुष्पीय फसल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुष्प है, तो इसमें दो प्रकार के ये होते हैं, जैसे अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा। अफ्रीकन गेंदा बड़े साइज़ में होता है और इसके जो फूल, इसकी जो मुख्य जो किस्में हैं, जैसे कि पूसा बसंती गेंदा, पूसा नारंगी गेंदा, क्रैकर जैक मिक्स, जॉइंट डबल, टाइशन सीरीज़, इनका सीरीज़, और फ्रेंच टाइप का गेंदा जो कि छोटे किस्म का होता है, और ये जैसे कि पूसा अर्पिता, हार्मनी बॉय, सफारी क्वीन, डुरेंगो सीरीज़ आदि। तो इनको लगाने के लिए दो प्रकार से लगाया जाता है, बीजों द्वारा और कलमों द्वारा। बीजों द्वारा 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 1 किलो बीज की आवश्यकता होती है और बीज गहरे काले रंग के होने चाहिए। और कटिंगों द्वारा, जिस तरह की गुलदाउदी की कटिंग लगती है, 3 से 4 नोड्स लेकर, और अग्रणी जो कटिंग्स हैं बरसात के मौसम में लगाई जाती हैं। गेंदे को वर्ष भर निचले पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष भर लिया जा सकता है, कुछ एक सर्दी के मौसम को छोड़कर, लेकिन उसमें भी अगर हम भूमिगत क्यारियों में लगाया जाए या पॉलीहाउस में लगाया जाए तो पूरे 12 महीनों में भी लिया जा सकता है। किसान भाइयों, ऊंचे पर्वतीय इलाकों में गेंदा लगाने का समय मई जून में, जिससे कि जो पुष्पन है वो अक्टूबर से दिसंबर मध्य तक आ जाता है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में जनवरी फरवरी में गेंदा लगाएं, ताकि उसका जो पुष्पन वक्त है वो जून जुलाई में आ जाता है। इसको लगाने के लिए जो एरिया होना चाहिए, खुली धूप हो वहाँ पर, उचित जल का निकास हो और जो पीएच, मिट्टी का जो पीएच मान है वो 7 से 7.5 हो। तो इसमें एक बार लगा दिया तो अफ्रीकन किस्मों के लिए जो इसका है 40x40 सेंटीमीटर पर और फ्रेंच 30x30 सेंटीमीटर पर पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए। लगाने के बाद इसमें पिंचिंग की जाती है 30 से 40 दिनों बाद। जिस पिंचिंग करने से क्या होता है कि ज़्यादा शाखाएं आती है, संख्या उनकी ज़्यादा बढ़ती है, तो फूलों की संख्या भी उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जिस टाइम ये हो जाए, तो होने के बाद इसमें जब इसकी जो फूलों की तुड़ाई की जाती है, तो फूलों की तुड़ाई के लिए उंगलियों से की जाती है, ताकि जो इसका जो निचले वाला पोर्शन है वो भी साथ में इंटैक्ट रहे। और जिस तरह से फूलों की कटाई की जाती है, इसे सुबह के वक्त करना चाहिए जब मौसम ठंडा हो, और फिर छायादार जगह पर इनका भंडारण किया जाना चाहिए। तो अब लगाने का जो समय है, अगर गर्मी के पुष्प, गर्मी में इसके फूल लेने हैं तो फरवरी मार्च में लगाएं, बरसात में लेने हैं तो मई जून में लगाएं, और सर्दियों में लेने हैं तो अगस्त सितंबर में इनको लगाएं। और दूसरा है कि निचले पर्वतीय क्षेत्र में इसे, जो कि हमारे यहाँ के क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र की जो संकन बेड टेक्निक है, नवंबर दिसंबर में उसमें हम इसके बीजों को रोपित करते हैं, ताकि जनवरी फरवरी में इसका जो, अगर इसका फरवरी से पुष्पन हमने लेना है, तो जो फ्रेंच किस्में हैं उसको खुले में लगाया जाता है, और जो अफ्रीकन किस्में हैं उनको पॉलीहाउस में लगाकर उनका पुष्प उत्पादन लिया जाता है। क्योंकि जो अफ्रीकन किस्में होती हैं वो इसमें पाले में खराब हो जाती है, तो इस वजह से अफ्रीकन किस्मों को पॉलीहाउस में, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर जनवरी फरवरी की बात बता रही हूँ, बाकी में तो ये पूरा साल बाहर में ही लगते हैं, खुले एरिया में लगते हैं। तो किसान भाइयों, मैं ये बताना चाहती हूँ, जो अफ्रीकन किस्में हैं वो लगाने के
रोपित करने के 75 से 90 दिनों में इसमें फूल आ जाते हैं, और जो फ्रेंच किस्में हैं उसमें 60 से 80 दिन में आ जाते हैं। जो इनकी उपज है अफ्रीकन की 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर, और फ्रेंच की 100 से 125 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से इसमें इसकी जो उपज होती है फूलों की। निचले पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष भर इसके फूल लेने के लिए एक 2-3 सालों से शोध जो कार्य किया गया उससे यह ज्ञात हुआ कि दिसंबर से फरवरी में लोकल अफ्रीकन रेड ब्रोकेड और पूसा अर्पिता किस्में पुष्पन करती हैं, और मार्च अप्रैल में पूसा बसंती, पूसा नारंगी, टाइशन सीरीज़ इनका सीरीज़, लेकिन मई जून में काफ़ी गर्मी हो जाती है जिसकी वजह से फूल नहीं आ पाते हैं, और जुलाई अगस्त में डुरेंगो सीरीज़, और सितंबर अक्टूबर नवंबर में फिर से वही जो मार्च अप्रैल में होती हैं पूसा बसंती, पूसा नारंगी आदि। तो इस तरह से हम पूरे वर्ष भर में इनका वेराइटीज़ के हिसाब से इनका चयन करके, इनका वर्गीकरण करके हम वर्ष भर इसमें फूल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा ये कि एक बहु इसको मल्टीपर्पज़ इसका यूज़ है, जैसे पोल्ट्री फीड के लिए भी है, फिर नेमाटोड से बचाने के लिए भी है, बाकी तो जो हम खुले फूलों के रूप में इस्तेमाल करते हैं जैसे कि इसमें इसके मंदिरों में चढ़ाना है, गजरे बनाने हैं, मालाएं बनानी है, मतलब कोई भी तीज त्यौहार, शादी ब्याह के जितने भी अवसर हैं, नवरात्रे हैं, उसमें इनकी काफ़ी मांग रहती है। लेकिन और अगर ऑन सीज़न की बात करें तो 40 रुपये किलो के हिसाब से इसके फूल बिकते हैं, लेकिन अगर ऑफ सीज़न की बात करें तो 100 से 150 रुपये किलो तक भी इसका जो मूल्य है वो लिया जा सकता है। तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही सरल तरीके से लगने वाली पुष्पीय फसल है, और आप इसको आराम से लगा भी सकते हैं, विभिन्न प्रकार की मिट्टी और जलवायु में इसको लगा सकते हैं, वहाँ पे इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं, और इससे आप अपनी आमदनी कमा सकते हैं। धन्यवाद।